घटना ये थी कि छोटा लड़का बड़ा लड़का उनका इंदौर था और छोटा लड़का उनको यहाँ पर ढूंढ रहा था एक परसों से, और परसों से वो क्या है मिल नहीं रहे थे और घर पे दोपहर में 2:40 को उन्होंने खाना खाया और बोले मैं कारखाने जा रहा हूँ, कारखाना उनका ए बी रोड पर है, वहीं पे गए। फिर वो वहाँ से उन्होंने अपने बोला कि अपनी लेबर से कि मैं अपनी पार्टियों से मिल के आता हूँ और अभी थोड़ी देर से मिलता हूँ। फिर हमने जो CCTV फुटेज देखी है कल, हमने SP ऑफिस में जाकर तो 3:40 पर हमको वहाँ पर तिगरा पर फ़ोन लगाते हुए वो पाए गए अकेले थे बजाज CT100 गाड़ी से, और फिर उन्होंने कुछ सामान लिया और फिर वो आगे की तरफ बढ़ गए। और फिर 3:40 के बाद फिर उनका लड़का छोटा वाला फ़ोन लगाता रहा, दिलीप मलालिया जो कि है वो लगाता रहा लेकिन कंटिन्यू उनको कोई भी फ़ोन का जवाब ना मिलते हुए 7:40 पर वो फ़ोन हो गया आउट ऑफ रेंज आउट ऑफ रीचेबल। फिर हमको सुबह 4 बजे तक सब जगह ढूंढा, फिर उसके अगले दिन हमें सुबह किसी सूत्रों से या किसी ने बताया उनको कि गाड़ी आपकी एक गाड़ी खड़ी उसकी पहचान करो। फिर हम तिगरा पहुँचे तो तिगरा में हमने देखा कि वहाँ पर आगे जाकर डैम का जो गेट है वो बंद हो चुका था, तो पीछे से एक रास्ता जाता है डैम के लिए कच्चा रास्ता, तो वहाँ पर उनकी गाड़ी पाई गई है, कुटिया है वहाँ पर। तो गाड़ी में भीड़ लॉक लगा था, आगे का ताला डाला था, पेट्रोल ही बंद थी गाड़ी में, गाड़ी को बंद करके कच्चे रास्ते से वो सीधे अंदर गए। और फिर हम लोगों ने तलाश किया तो फिर वहाँ पूरे ब्रिज पे चढ़े तो वहाँ पर उनकी दोनों चप्पलें पाई गईं और उनकी साफ़ी पाई गई। तो हम लोगों ने नीचे जंगल में ढूंढा और पानी के लिए हमने SDRF टीम को भी बोला, वहाँ पे अपने SI साहब भी थे, सब लोग थे, तो उन्होंने जांच पड़ताल के लिए बोला। रात ज़्यादा थी और पानी का भाव बहुत ज़्यादा था, तो इसी कारण से वो SDRF टीम आ नहीं पाई थी और ढूंढ नहीं पाया था। फिर आज सुबह एक बोट आई थी, एक बोट से हमारे एक चाचा जी थे उन्होंने संग में थे, उन्होंने बोला, बोट वाला बोला कि डेड बॉडी उधर पत्थर की साइड ठहर रही है सबसे लास्ट में उधर कुन्ने में जाके। तो फिर उन्होंने बोला कि कैसे है, उन्होंने पहचान बताई, उन्होंने बोला व्हाट्सएप फोटो भेजता हूँ, तो उन्होंने फोटो भेजा, उन्होंने बोला कि हाँ यही है, काले रंग का पैंट है, ऐसी शर्ट है, वो कुछ डॉक्यूमेंट है। सुसाइड करने का कारण कारण कुछ नहीं है, कुछ भी कारण नहीं है, बस वो थोड़ा सा सीधे सिंपल आदमी थे, कोई परेशानी नहीं, ना कोई कर्जा, ना कोई बच्चों की टेंशन, ना घर की टेंशन, सब कुछ सही था, बस यही है, सोच से ज़्यादा थे बस, और कोई उसमें कोई दुश्मन कुछ नहीं। उनकी प्रिंटिंग प्रेस थी, कारखाना था कागज वागज का। क्या नाम है उनका? विनोद मलालिया जी, थाना तिगरा। तो बताइए पूरा क्या मामला है, उसकी बॉडी निकली है? हाँ जी, मृतक की डेड बॉडी तिगरा डैम में तैरते हुए मिली, उस तरफ वो मजार है ना, उस तरफ मजार के किनारे तरफ मिली जी, करीबन 1-2 दिन पुरानी। हाँ, क्या नाम है उनके? इनका नाम है विनोद मलालिया, स्वर्गीय पिताजी स्वर्गवास है माता प्रसाद मलाली। उम्र कितनी होगी? उम्र करीबन 53 वर्ष। कहाँ के निवासी बताया गया? निवासी जनकगंज, जीवाजी जनकगंज के पास। कैसे हो पाई इनकी पहचान, मतलब किस तरह से मौत? इनके पास में कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले थे और फिर पहले से इनके घर वालों ने तलाश किया था उसके साथ आधार। गाड़ी भी मिली थी? हाँ, इनके गाड़ी भी मिली है। कौन सी गाड़ी मिली? वो मोटरसाइकिल है CT100 ब्लैक कलर की। घर वालों बताया क्यों सुसाइड किया है, क्या प्रॉब्लम है? ऐसा भी कुछ नहीं है, पता पड़ेगा। काय का व्यापार करते थे? उनको मानसिक थोड़ा प्रॉब्लम थी, उनकी गोली वगैरह भी मिली थी। तो व्यापार भी करते थे? व्यापारी जी, जानता है। प्रिंटिंग प्रेस थी जी।